नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि है। मैं IVF कंसल्टेंट हूँ नोवा IVF पटना में। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एम्ब्रायो सिलेक्शन के बारे में। यह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रक्रिया है जिससे हम आपके भ्रूण को, जो सबसे अच्छा भ्रूण है, उसको चयन कर सकते हैं इसके माध्यम से। यह एक कंप्यूटर हेल्प्ड या कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के माध्यम से हमें यह बताता है कि आपके जितने भी एम्ब्रायोज हैं उसमें से बेस्ट एम्ब्रायोज जो हमें हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकें वो कौन से हैं। आमतौर पर एम्ब्रायो सिलेक्शन किया जाता है नेकेड आई से, मतलब हम आकर 5 दिन के किसी भी ब्लास्टोसिस्ट को देखते हैं तो वो दिखने में कैसा है, उसके सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, उसके आधार पर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं A, B या C, या जो भी ग्रेडिंग का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। इससे इंटर ऑब्जर्वर फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब अगर हम एक ही भ्रूण को दो व्यक्ति के द्वारा असेस करवाएं तो वो असेसमेंट जो होगा वो उस इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन शो करेगा। मतलब एक आदमी उसे शायद ए ग्रेड बोले, एक आदमी शायद उसे बी ग्रेड बोले। इस इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन को समाप्त करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम बनाया गया है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके आधार पर वो कंप्यूटर हमें मदद करता है कि हमारे असेसमेंट के अलावा वो अपनी असेसमेंट देता है कि क्या सच में ये ए ग्रेड है, क्या यह सच में बी ग्रेड है। इससे हमें आपके बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रायोज जो हमें प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक कंटिन्यू करवाए और एक लाइफ बर्थ में कन्वर्ट करे, इसको पता करने में या चयन करने में मदद मिलती है। धन्यवाद।